नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपना बहुपद चैप्टर चल रहा है नौवीं क्लास का और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। पिछली दोनों क्लास से आप अच्छे से समझिएगा और कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। पिछली क्लासों में अपने बहुपद के बारे में सामान्य परिचय हो गया था और अपने दो क्वेश्चन हो गए थे, एक्सरसाइज 2.1 के अपने दो क्वेश्चन हो गए थे। अब आज देखेंगे हम बेटा अपना तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है 35 घात के द्विपद। अब मैं द्विपद की बात कर रहा हूं, द्विपद कौन सा होता है जिसके पद कितने हो, दो। अब बेटा मैंने आपको बताया था ना कि द्विपद, अब बहुपद के प्रकार कितने थे, दो। एक तो था आपका पदों के आधार पर, एक कौन सा था पदों के आधार पर, और दूसरा कौन सा था घात के आधार पर। अब यहां द्विपद की बात आ रही है तो पदों के आधार पर तीन प्रकार थे ना, एक तो था आपका एकपदी, एक था द्विपदी और एक था क्या त्रिपदी। तो यहां उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए दो। 35 घात के द्विपद बहुपद का और 100 घात के एकपदी बहुपद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले लेता हूं मैं ये 35 घात, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35, और भाई पद कितने होने चाहिए दो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां 2x की पावर 35 प्लस में 3x, ये ले लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब सुनो पद कितने हैं, एक और एक है दो, और हाईएस्ट पावर कितनी है 35। इसके अलावा अगर मैं ये भी लिखूं ना y की पावर 35 प्लस में 7, तो भी आपका क्या है सही है। बट एग्जांपल कितना देना है, एक, जिसकी हाईएस्ट पावर तो 35 है और पद कितने हैं दो है। और दूसरा देखिए 100 घात का एक पदी, हाईएस्ट पावर उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए 100 और पद कितना होना चाहिए एक। तो जैसे कि मैंने लिखा x की पावर 100, सीधा ही लिख दिया। बोलो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट उच्चतम घात कितनी है 100 और भाई पद कितने हैं एक। तो आपका 35 घात के द्विपदी का तो एग्जांपल ये हो गया, चाहे आप ये भी लिख सकते हो, और उच्चतम घात कितनी है 100 और पद कितना होना चाहिए एक, उसका आपका एग्जांपल ये हो गया। आप अगर ऐसे भी लिखो 2x की पावर 35 100, तो भी आपका क्या है सही है, पद कितना होना चाहिए एक। इसके बाद बेटा देखिएगा आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। और बेटा घात होती है उच्चतम, उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये लिखा मैंने। अब बेटा देखिएगा यहां ये आपका एग्जांपल हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी उच्चतम घात, देखो पावर x की 2 भी है ना, ये क्या है चर राशियां। अब चर राशि की घात 2 भी है और 1 भी है, बट अपनी उच्चतम घात बतानी है आपको, और उच्चतम घात कितनी है 2। तो इस बहुपद की उच्चतम घात कितनी है 2। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस 3, तो बोलो उच्चतम घात कितनी है, ऊपर पावर नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है 1, उच्चतम घात कितनी है 1। अगर मैंने सीधा ही अचर बहुपद लिखा, शून्य बहुपद बोलते हैं, ये लिखा इसकी पावर कितनी है, इसका मतलब इसके आगे x की पावर कितनी होगी 0। क्योंकि आप मुझे ये बताएं, आपने फार्मूला किया होगा 8th क्लास में भी, a की पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो आपके अचर पद की घात यहां कितनी होगी भाई 0, कितनी होगी 0। अब बेटा आप देखिएगा, ध्यान से समझिए, आपका प्रश्न पहला ये है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और यहां व्यंजक की
घात, बोलिएगा उच्चतम घात लिखेंगे, व्यंजक की घात कितनी है उच्चतम, तीन। तो आपका आंसर क्या रह गया, तीन। आंसर क्या आएगा, तीन, क्योंकि बेटा यहां उच्चतम घात देखनी है, यहां दो भी है और एक भी है, बट आपको कितना भाई, कितनी लिखनी है, तीन, जो कि उच्चतम घात हो वही आपको लिखनी है। अब दूसरा देखिए, यहां व्यंजक चर क्या है x और यहां चर क्या है y, यहां सिर्फ पावर देखनी है। अब यहां देखिए व्यंजक y मान लेते हैं जो भी है, कि घात उच्चतम घात कितनी है, दो है। अगर यहां व्यंजक दिया गया है, इसकी घात कितनी है नहीं, तो कितना होगा, जीरो है। कितनी पावर है इसकी, जीरो है। तो यही आपका क्या था, चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न व्यंजक में कौन कौन रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। बेटा आपको यह बताना है रेखिक कौन सा है, द्विघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं एक बार। अब यहां घात के आधार पर पिछली क्लास में मैंने करवाया था आपको बहुपद के प्रकार, और यहां किसके आधार पर, घात के आधार पर ले रहा हूं मैं। घात के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक रैखिक बहुपद, नंबर दो द्विघाती बहुपद, नंबर तीन त्रिघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, दो हो, क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, तीन हो, क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। अब प्रश्न में देखिए, निम्न व्यंजन में कौन कौन रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती है। अब बोलिएगा पहले का आंसर, व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात, कितनी है, दो है। अतः यह द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। यह आपका है बेटा पहले का आंसर। व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, दो है, इसलिए कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स माइनस एक्स की पावर तीन, उच्चतम घात कितनी है, तीन। व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात यहां कितनी है बेटा, तीन। कितनी है, तीन, तीन है। अतः यह त्रिघाती बहुपद होगा। अब तीसरा देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई चार। अब यहां y की पावर एक भी है और दो भी है, बट उच्चतम पावर कितनी है, दो है। तो तीसरे का आंसर, व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात कितनी है भाई, दो है। अतः यह द्विघाती बहुपद होगा।
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पिछली क्लास वाला भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, बिल्कुल इजी से है। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, वन प्लस एक्स, एक्स सीधा दिया गया है तो पावर कितनी होगी एक, तो व्यंजक में चर राशि की उच्चतम घात एक है, अतः रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पांचवा, 3t, सीधा ही t दिया गया है मतलब पावर कितनी है भाई एक है, तो व्यंजक में चर राशि, इसमें t है, चर राशि की उच्चतम घात, चर राशियों के बारे में कल बताया था ना कितनी एक होती है क्वेश्चनों में, दो तीन, अब चर राशि की उच्चतम घात कितनी है एक है, तो बोलिएगा कौन सा होगा एक है, तो आपका होगा बेटा रैखिक बहुपद। नेक्स्ट वाला देखिए, आर की स्क्वायर, चर राशि की उच्चतम घात कितनी है दो है, आर की स्क्वायर, यहां चर राशि की उच्चतम घात दो है, अतः यह द्विघाती बहुपद होगा, कौन सा होगा द्विघाती बहुपद होगा, यहां चर राशि की उच्चतम घात तीन है इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। और चर राशियों के बारे में आपको पता है ना, एक पिछला क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा, 35 घात के द्विपद का उदाहरण यह है कि नहीं, पद कितने हैं दो और उच्चतम घात कितनी है 35, 100 घात का एक पदी ये है आपका, पद कितना एक, उच्चतम घात कितनी 100, इसमें प्रत्येक की घात बतानी और घात कौन सी होती है उच्चतम घात होती है, तो इसमें उच्चतम घात तीन, इसमें दो और इसमें है ही नहीं तो जीरो, यहां बताना है कि ये रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती, पावर दो है तो क्या होगा द्विघाती, पावर एक है तो क्या होगा रैखिक, पावर तीन है तो क्या होगा त्रिघाती, पावर एक है तो क्या होगा रैखिक, पावर दो है तो क्या होगा द्विघाती, पावर दो है तो क्या होगा द्विघाती, पावर तीन है तो क्या होगा त्रिघाती, यहां पदों का आधार नहीं है, घात के आधार पे पूछा गया है, पदों के आधार पे पूछे तो अलग हो जाएगा, घात के आधार पे पूछे तो अलग होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में भी आ रहा है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है, कल हम स्टार्ट करेंगे 2.2 और आप अच्छे से करना, और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, थैंक यू।